वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साईं बाबा बनी बाबा बगरे जनिर 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन संत पौलुस तिमोथी के नाम पत्र में पहले पत्र अध्याय 13 में लिखते हैं, प्रेम के बारे में लिखते हैं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता है, न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वो अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम न तो झुंझुलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। वो दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढक लेता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। लिखा है प्रेम सब कुछ ढक लेता है। मगर जहां प्रेम नहीं है वहां ढकने के बदले सबको उजागर करता है। जहां शादी हो गई, शादी के दूसरे दिन मायके में नहीं है, पूरे मायके में सबको मामा मामा चाचा चाची सबको पता है कि मेरा पति नशा करता है। मायके वालों को सबको पूरा ढिंडोरा बजा दिया गया। और उसी तरह होता है, बहू आ गई दो दिन में तीन दिन में पता चलता है सारे गांव वालों के लोगों को, बहू कैसी है। हाँ, बहू क्या करती है, अरे ये बोले आजकल 8 बजे उठ रही है। जैसे लिखा है प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता, वह न तो झुंझुलाता है न बुराई का लेखा रखता है। मगर होता क्या है, जहां पर प्रेम नहीं है कई परिवारों में थोड़ी सी कमी हो गई, पति में या पत्नी में थोड़ा सा भी हो गया उसको याद रखते हैं। 10 साल पहले ये मैं एक परिवार में गया हुआ था, और जिस परिवार में मैं गया हुआ था वो व्यक्ति प्रचारक थे, चर्च में फादर जी की मदद करते थे, मगर पति पत्नियों का दोनों में सामंजस्य नहीं था। पत्नी घर छोड़ के भाग चुकी थी और वो प्रचारक को नौकरी पे रखे हुए थे, वो सेवा करता था। एक दिन मैंने पल्ली पुरोहित से पूछा, फादर जब ये प्रचारक अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख पा रहा है, अपने पत्नी के साथ सामंजस्य नहीं रख पा रहा है, ये किस प्रकार का प्रचारक होगा? क्या इसके जीवन का प्रभाव विश्वासियों पर नहीं पड़ेगा? उसके बाद मैंने और फादर ने दोनों मिलकर थोड़ा वार्तालाप किया और दूसरे दिन प्रचारक को बुलाया, उससे कहा चलो तुम्हारे पत्नी को वापस ले आना, तुमको उसके साथ जीना, उसको थोड़ा समझाया। उसके बाद हम लोग मिले, गाड़ी से मैं गया, प्रचारक को लेके लड़की के गांव पहुंचे, जबकि उनके 3 बच्चे हो चुके थे, 10 साल एक साथ रह चुके थे। वहां पहुंचने के बाद जैसे हम लोग पहुंच गए और वहां पर लड़की की मां तुरंत गुस्से में आ गई, नहीं जाएगी मेरी लड़की, नहीं जाएगी। तो मैंने कहा मैं उसको ले जाने नहीं आया हूं, मैं केवल इन लोगों से साथ बैठना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, आइए आइए बैठिए, आइए बैठिए। तो वो भी बैठ गए, मैंने आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है, सिर्फ वही दो ही बैठेंगे और कोई नहीं बैठेगा। अब जाने, मैं 5 घंटे उस पति पत्नी को बैठा के बैठ गया, 5 घंटे। सुनिए, उस 5 घंटों में उस आदमी ने, जो प्रचारक ने, अपनी छोटी सी डायरी निकाली, छोटी सी डायरी निकाली और उसके तारीख पीते उसने कहा, फलाने तारीख को तुमने मुझे ऐसा कहा, तूने फलाने तारीख को तूने मेरे घर को छोड़ के तुम उस पड़ोसी के घर में थी। और उसी तरह वो लड़की औरत भी उसी तरह बोलने लगी, तूने 4 साल पहले क्या किया था, तू उस समय शादी के दूसरे दिन तुमने क्या किया था, तुमने क्या बोला था। ये होता गया कितने घंटे, 5 घंटे। मैंने होने दिया, होने दो, बोलने दो, सब कुछ आपके अंदर हाथ जो सब निकल जाए। उसके बाद मैंने समझाया,
आप लोगों ने शादी किया है? मैंने दूसरा प्रश्न किया, ये तीन बच्चे कैसे पैदा हुए जी? तुम लोग इतने सब लेके चले हो, ये 10 साल में इतनी नफरत एक दूसरे के लिए, इतनी घृणा। तुम इंसान हो या तुम जानवर हो कि तुमने तीन बच्चों को पैदा किया मगर तुम्हारे अंदर कोई प्रेम नहीं था? मैंने कहा अब तक तुम अपने लिए जी चुके हो, तुम अब तक अपने मम्मी पापा के लिए जी चुकी हो, अब इन तीन बच्चों के लिए जियो। अब तुम इन तीन बच्चों के लिए जियो, तुमको जीना पड़ेगा, तुमको मरना पड़ेगा, क्योंकि तुमने इन बच्चों को पैदा किया है। मैंने डांटना शुरू कर दिया, दोनों को डांटना शुरू कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद दोनों रोने लगे। समझाना शुरू किया, समझ लिए। उसके बाद औरत से मैंने पूछा, क्या चाहती हो तुम, क्या चाहती हो? बोली पति जी मैं जाऊंगी। पति से पूछा, क्या तुम क्या चाहते हो? हम लोग प्यार से जिएंगे फादर जी। थोड़ी देर के बाद मैं लेके दोनों को लेके बाहर आया। मां चिल्लाना नहीं जाएगी, आज यदि जाओगे कभी मेरे घर पे नहीं आना, जब मैं मरूंगी मेरा चेहरा तुम नहीं देखना। देखिए कैसी मां, मां को तो खुशी होनी चाहिए कि कम से कम दोनों एक साथ मिलकर एक साथ जीने के लिए तैयार हो गए। और इतना ही नहीं, पूरे गांव के लाठी डंडा लेकर खड़े थे, बैठे हुए थे पूरा आंगन में। हालेलुया, 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 हालेलुया। इधर सुनिएगा, जब परिवार की बातें हो रही हैं, परिवार की बातें हो रही हैं, कई बातें पति पत्नी के बारे में हो ही चुका है, बच्चों के लिए भी जब अच्छे होते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी मम्मी पापा का है, सिर्फ पापा का नहीं, मम्मी पापा का है। मेरा बाद में जो किताब आने वाला है, क्या बोलते घर बने स्वर्ग, मैं चाहूंगा हर व्यक्ति के हाथ में 750 किताबें होंगी, हर व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। सिस्टर लोग प्लीज मत लीजिएगा, ताकि लोग ले जाएं, ठीक है? तो सब लोग ले जाइए। इसमें क्या बोलते हैं, हर व्यक्ति के लिए वचन है, बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, बाइबल का वचन लेके मैं इसमें से कुछ वचन पढ़ना चाहूंगा। देखिए मम्मी पापा का बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी। देखिए बच्चों को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वो बूढ़ापे में उससे भटकेगा नहीं। जो मम्मी पापा छड़ी नहीं लगाता वो पुत्र का शत्रु है, जो अपने पुत्र को प्यार करता है उसे दंड देने में हिचक नहीं। और एक वचन, युवक को दंड देने में मत हिचको, यदि तुम उसे छड़ी लगाओगे तो वह मरेगा नहीं, बल्कि उसे छड़ी लगाने से तुम अधोलोक से उसकी रक्षा करोगे। हालेलुया। मम्मी पापा की जिम्मेदारी बच्चों पर है। कई मम्मी लोग बोलते हैं जी हाँ, मैं कम लोगों से बैठ सुनता नहीं हूं, मैं भागता हूं। मैं कल थोड़ा समय रुका, क्यों भागता हूं? क्योंकि भागता हूं, मम्मी लोग आके शिकायत करते हैं मेरा बेटा नहीं आता है। मम्मी लोग आके शिकायत करते हैं, मेरा बेटा नहीं सुनता है, बेटी नहीं सुनती है, वो नहीं करता है, ये नहीं करता है। बाइबल में लिखा हुआ है जैसी माँ वैसी बेटी, एजेकेल के ग्रंथ अध्याय 16 वचन 44 में, एजेकेल 16:44 में लिखा जैसी माँ वैसी बेटी। जिस प्रकार माँ अपने पति के साथ व्यवहार करती है, ध्यान से सुनिए मम्मी लोग, जिस प्रकार व्यवहार आप अपने पति के साथ करती हैं, वो ही व्यवहार आपकी बेटी आपके पति के साथ भी करती है, और शादी के बाद अपने पति के साथ वो ही करती है। यदि आप अपने पति के पीठ पीछे बातें करते हैं, आपकी बेटी कल अपने पति के पीठ पीछे वही करती है। जैसी माँ वैसी बेटी, मेरा वचन नहीं है, बाइबल का वचन, प्रभु का वचन, एजेकेल का ग्रंथ अध्याय 16:44, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7:25 में लिखा है, यदि तुम्हारी संतान हो तो शिक्षा दिलाओ और बचपन से ही उन्हें अनुशासन में रखो, बचपन से ही उन्हें अनुशासन में रखो। अनुशासन, जब मेरे अंदर अनुशासन नहीं है, मैं बच्चों को क्या अनुशासन दूंगा? जब मेरे सोने का कोई टाइम नहीं है, जागने का कोई टाइम नहीं है, यदि मैं 12 बजे सो जाऊंगा, 12 बजे तक मैं टीवी लगा के उस इडियट बॉक्स को देखता रहूंगा, देखती रहूंगी, और क्या बोलते हैं, अधिक समय में मोबाइल पर रहूंगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे? मेरे बच्चे भी तो वही करेंगे। और आजकल घर में जितने सदस्य हैं उतने मोबाइल है ना,
जितने बेड हैं उतने बेड पर बेटा बेटी बस सब बैठे हुए हैं, सब मोबाइल में व्यस्त हो गए। कभी घर में कोई बूढ़ा बूढ़ी है तो वो तो बेकार है, ऐसे ही पड़े रहेंगे। यदि आप अपने बच्चे को पैदा किए हैं, आप अपने बच्चे को खिलाते हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, यदि इतना सब करने के बाद आप प्रार्थना में बच्चे को बैठा नहीं सकते हैं, आपको लोटा में पानी रख के डूब के मरना चाहिए, लोटा में डूब के मरना चाहिए। जिस बच्चे को आपने पैदा किया, आप खिलाते हैं, आप पढ़ाते हैं, आप सारी सुविधाएं देते हैं, और उस बेटे को उस बेटी को आप प्रार्थना में बैठा नहीं सकते हैं, आप चर्च में ला नहीं सकते हैं, आपकी बात मानता नहीं है, मानती नहीं है, आपको जीने का अधिकार नहीं है। वो भी मृत्यु कैसे मरना चाहिए मैंने बताया ना, कुएं में मत कूदिएगा, तो बहुत आसान है, लोटा है ना, छोटा लोटा जो उसमें डूब जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी मां को बार बार माता पिता बहुत सम्मान करता हूं, यदि मैं आज यहां हूं उसका जिम्मेदार मेरी मां है। एक दिन मुझे याद है, मेरा घर भी जंगल के किनारे है, जंगल पश्चिम घाट, आपने सुना होगा कर्नाटक में पश्चिम घाट में हमारा घर है। हम लोग स्कूल के पहले लकड़ी लाने के लिए जंगल जाते थे, लकड़ी लाना था, और कुछ गांव के लड़के हमेशा जाते थे। मम्मी ने एक दिन बोला बेटा जाओ लकड़ी लेके आओ, बहुत मम्मी ने डांटा फटकारा, तो मैं चला गया लकड़ी लाने के लिए। एक दो दिन तीन तक थोड़ा सा क्या बोलते हैं हाना खानी करता गया, चौथे दिन से बहुत खुशी से जाना शुरू कर दिया। 10-15 दिन लगातार जाता था, स्कूल जाने के पहले जाके लकड़ी लेके आता था। 15 दिन के बाद मम्मी ने सोचा ये बेटा बहुत खुशी से लकड़ी लाने जा रहा है, क्या बात है, पहले हाना खानी करता था, नाटक करता था, रोता था, आजकल रोज जा रहा है। मम्मी ने मेरे छोटे भाई को भेजा, जाओ भैया कैसा, मेरा भाई भी छोटा भाई भी मेरे साथ चलाया। जंगल में क्या होता था पता है, जितने लड़के आते थे गांव से वो बीड़ी लेके आते थे, मुझे आधी बीड़ी मिल जाती थी, और उस आधी बीड़ी के लिए मैं जंगल लकड़ी लाने के लिए चला जाता था। वापस आया और वहां पर जंगल में भाई का मुंह तो बंद करना है ना, तो मैंने छोटे भाई को बोला भैया देखो ले लो भाई एक तुम भी आधी पी लो, और मेरे छोटे भाई ने भी वो आधी बीड़ी बहुत बढ़िया से चखा। और उसके बाद घर मम्मी मम्मी भैया तो बीड़ी पीता है, मम्मी ताली बजाएगी। मम्मी ने आंगन में बुला लिया, और जैसे मैंने कल कही ना छड़ी, इमली की छड़ी लाई, इमली के छड़ी में जबरदस्त गांठे होती है ना, मेरे कपड़े उतारे, पीटना शुरू कर, तेरा बाप बीड़ी नहीं पीता तो बीड़ी पीते हो, इतना पीटा कि बीड़ी आज ट्रेन के क्या बोलते हैं 11वें 12वें डिब्बे में भी यदि कोई बीड़ी पीता है मुझे बास, इतना दूर तक चलाता है। और छोटी बात छोड़िए, मेरे बाद वाला मेरा भाई जिसने बीड़ी की शिकायत की थी, नाना के यहां गया था कुएं की मिट्टी निकालने के लिए, उस समय लगभग 18-19 साल का था, मिट्टी के कुएं की मिट्टी निकालते, बहुत थक चुका था, काफी लोग थे, और क्या बोलते हैं शाम को थक जाते हैं तो क्या बोलते हैं वो शीशी लाते हैं ना बड़ी वाली, जी हाँ उसको लाके पी चुके थे, और मेरे भाई को भी किसी लोगों ने चखा दिया, जी हाँ पी लिया, उसके बाद जो भी हुआ तो उल्टी भी कर दिया। उसके बाद संदेश तो मम्मी के कान तक पहुंच गया। शाम को लगभग 7:30 बजे मेरा भाई, सोचिएगा छोटा नहीं था, इंटर करने वाला मेरा भाई घर में आया। जैसे वो दरवाजे के अंदर आया, मेरी मम्मी ने झाड़ू उठाई, इतना पीठा, कहा कौन हो तुम, निकल जाओ घर से, इस घर में बिल्कुल नहीं घुसना। जानते हैं मेरे पापा 11 बजे आए, 11 बजे तक उसको घर के अंदर घुसने नहीं दिया गया था, मगर पापा आने के बाद परमिशन दिया गया, और आज मेरे घर में सबसे अच्छा भाई, सबसे मम्मी का सबसे लाडला प्यारा बेटा वही है जिसने खूब मार खाया था। हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। देखिए परिवार, परिवार
पति पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में हमने बोला, कुछ भाई बहनों के लिए भी। देखिए भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता बहुत कीमती रिश्ता है, बहुत कीमती रिश्ता है, है ना। ऐसा रिश्ता कभी मिल नहीं पाता है। हो सकता थोड़ी से मनमुटाव हो जाता है, कभी थोड़ा तू 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 मैं हो जाता है, मगर भाई भाई का रिश्ता जो है, जहाँ भाई कभी भी काम आता है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत कीमती रिश्ता है, बहुत कीमती रिश्ता है। उसी तरह क्या बोलते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, ये सारे रिश्ते, सारे रिश्ते बहुत कीमती हैं। हमको, हर बच्चे को, हर व्यक्ति को इन सब की जरूरत है। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, काका काकी सब मिलजुल के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, उस परिवार में पैदा हुआ बच्चा, पलने वाला बच्चा प्यारा प्यारा बच्चा होता है। यदि बच्चों को अच्छे होना है तो घर के लोगों को भी एक दूसरे के साथ मिलजुल के अच्छा रहना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने अपने परिवार को प्रभु के समक्ष लाएं। आंखें बंद करिए, अपने परिवार को प्रभु के समक्ष लाइए। यदि आपके परिवार में मनमुटाव है, पति पत्नियां सबसे पहले आपसी जो भी मन मुटावे खत्म करिए, खत्म करिए। निर्णय लीजिए, जहां कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, सबके अंदर कोई ना कोई कमी है, सबके अंदर कोई ना कोई कमी। आंखें बंद करिए, और जितनी पत्नियां, आप सुनिएगा ध्यान से, और पतियों भी सुनिए, यदि आप अपने पति के नहीं हुए, यदि आप अपने पत्नी की नहीं हुए, आप कभी किसी के नहीं हो सकते। और उसी तरह आप अपने बच्चों के नहीं हुए, आप और किसी के नहीं हो सकते। आप अपने भाई के बहन के नहीं हुए, आप किसी के नहीं हो सकते। जो अपनों का नहीं होता हो, दूसरों का नहीं हो सकता। आज निर्णय लीजिए, निर्णय लीजिए टूटे रिश्ते को जोड़ने के लिए, क्योंकि प्रभु ने कहा जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इसी के कारण कई लोग श्रापित हैं, कई लोग परेशान हैं, कई लोग निराश हैं, कई लोग टूटे हुए हैं, कई लोग रोगी हैं, कई लोग मृत्यु शैया पर हैं। आपने छोटी सी बात को आज भी भुलाया नहीं, आप क्षमा नहीं किए हैं, आप जुड़ के रहना नहीं चाहते हैं, छोटी छोटी बातों को अनदेखा करना नहीं चाहते हैं। प्रेम से जुड़े रहेंगे, जैसा मेरा भाई है उसे ऐसा ही स्वीकार करेंगे, जैसा मेरा पति है मैं उसे ऐसा ही स्वीकार करूंगी। यदि परिवार का, पति पत्नियों के विवाह का साक्षी परमेश्वर है, तो परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहेगी। और यदि हमने एकता बनाए रखी है तो हमारे साथ प्रभु रहेगा। यदि हमने एकता नहीं रखी है, प्रभु भी हमारे परिवार को छोड़ के चला जाएगा। जब प्रभु की उपस्थिति हमारे घर में नहीं होगी, दुष्ट आत्माएं आएंगी, शैतानी ताकतें आएंगी, शैतान काम करने लगेगा। हम प्रार्थना करते हैं सारे परिवारों के लिए, हाथों को जोड़िए। हे महान परमेश्वर, हर परिवार को आशीर्वाद दे। जितने भी परिवार यहां एकत्रित हैं, जितने परिवार आज की इस वचन को सुन रहे हैं, हे प्रभु, उन सभी को मैं अपना हाथ उठाता हूं। प्रभु आशीर्वाद दे। तूने आदम और हवा को आशीर्वाद देते हुए कहा था, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ। उसी तरह नूह के परिवार को भी तूने आशीर्वाद दिया था, याकूब के परिवार को भी आशीर्वाद दिया था। हे महान परमेश्वर, हे इब्राहिम याकूब के परमेश्वर, आशीर्वाद दे, एक एक परिवार को आशीर्वाद दे। तूने जोड़ा है परमेश्वर, पति पत्नी को तूने जोड़ा है, बच्चों को तूने दिया है, भाई को तूने दिया है, बहन को तूने दिया है, माता पिता तूने दिया है, सास ससुर तूने दिया है। जोड़ दे प्रभु, जोड़ दे, टूटे परिवार जुड़ जाए परमेश्वर, टूटे रिश्ते जुड़ जाए पिता, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से आज टूटे परिवार जुड़ जाए।
प्रभु एक एक को पुराने से पुरानी बातों को बुलाकर नया रिश्ता बनाने के लिए, रिश्ता को बनाए रखने के लिए, प्यार करने के लिए, क्षमा करने के लिए शक्ति प्रदान कर। हर घर में शांति हो प्रभु, हे महान प्रभु दया कर, हे महान परमेश्वर दया कर, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे प्रभु जी। लोगों को एक दूसरे को प्यार करना सिखा, एक दूसरे का सम्मान करना सिखा, एक दूसरे का कदर करना सिखा प्रभु। बच्चे मम्मी पापा का आदर करें, क्योंकि प्रभु जी तेरे वचन में लिखा हुआ है, बच्चों अपनी माता पिता की आज्ञा मानो, यही एक आज्ञा है जिसके पालन से तुम लंबी उम्र तक जीते रहोगे। प्रभु आज सारे बच्चों को, युवक युवतियों को यही कृपा दे, वे अपनी मम्मी पापा का आदर करे, सम्मान करे, उनकी आज्ञा माने। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज एक एक परिवार में लोग अपने लिए नहीं प्रभु जी, अपने परिवार के लिए जिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, पति अपने पत्नी के लिए जिए, पति अपने पत्नी के लिए जिए, पत्नी अपने पति के लिए जिए, मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए जिए, बच्चे अपने मम्मी पापा के लिए जिए, भाई भाई के लिए जिए, भाई बहन के लिए जिए, बहन भाई के लिए जिए। प्रभु ऐसी कृपा कर। हे प्रभु जितने लोगों के दिमाग में यह लिखा हुआ है जी और जीने दो, आज प्रभु जी आज इसे मिटा दे। ये जीवो जीने दो वाले नहीं प्रभु, जीवो और झिलाओ वाले हो जाएं, क्षमा करने वाले हो जाएं, प्यार करने वाले हो जाएं, सेवा करने वाले हो जाएं, मिलजुल के रहने वाले हो जाएं, पुरानी बातों को भुला कर नया खारी के लिए, नए जीवन के लिए समर्पित करने वाले हो जाएं। यही प्रार्थना हम करते हैं पिता, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। यदि कुछ कड़वा लगा है अपने अंदर से निकालते, मुस्कुराइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दो बातें जब मैं प्रार्थना कर रहा था, आ रहा था, उसको मैं फिर एक बात बोलना चाहूंगा, रिपीट करना चाहूंगा। रिपीटेशन, जो अपनों का नहीं होता है वो दूसरों का नहीं होता है। कई लड़के लड़कियां बैठी हैं, अक्सर होता है लड़कों से मैं बोलना चाहूंगा, यदि कोई लड़की अपने मम्मी पापा को छोड़कर आपके पास आती है, आपसे कहती है आपके लिए मैं मम्मी पापा को भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, ऐसे लड़की से बेटा लो कभी शादी मत करना, क्योंकि जो मम्मी पापा को जिसने पैदा किया उसको छोड़ सकता है, कल आपको भी छोड़ देगा, छोड़ देगी। उसी तरह बहन लोग, बिटिया लोग, तुम भी सुनो, यदि कोई लड़का अपने मम्मी पापा को छोड़ने के लिए तैयार है, तुम्हारे लिए अपने भाई बहन को छोड़ने के लिए तैयार है, ऐसे लड़के से कभी शादी मत करना, क्योंकि कल तुमसे थोड़ी सी सुंदर दिखाई कोई दिखने वाली कोई मिल जाएगी, वो आपको भी छोड़ देगा। और एक बात मैं आपसे बताता हूं, यदि कोई आपको लड़का पसंद आता है कभी शादी मत करना, क्योंकि रसगुल्ला पसंद आता है तो चार ही दिन खा पाओगे, महीना भर खा पाओगे, महीने के बाद आपको उस रसगुल्ले से नफरत हो जाएगी, आप कहोगे रसगुल्ला ठीक नहीं है, जामुन अच्छा था। जी हाँ, इसलिए पसंद आता है शादी मत करना, यदि प्यार करते हो तो तभी शादी करना, प्यार में नाक टेढ़ा है तब भी प्यार है। इसलिए अरेंज मैरिज में पापा जैसा भी हो मम्मी उसे प्यार करती है, मम्मी जैसी भी हो पापा उसे प्यार करते हैं, और जीने का निर्णय लिए हैं, जीवन के अंतिम क्षण तक हमेशा साथ रहते हैं। कौन से परिवार टूटते हैं? वही परिवार टूटते हैं जहां पर बोला जाता है लव मैरिज हुआ है, लव करके नहीं लाइक करके मैरिज हुआ है, वो लड़का पसंद है, लड़की पसंद है, और पसंद एक दिन खत्म होता है, और ऐसे सारे केसेस कोर्ट में पड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए हमको सबसे पहले अपनों का होना सीखना है, अपनों का होना है बच्चे। सबसे पहले हमको मम्मी पापा का होना है। यदि हम मम्मी पापा के नहीं हुए हम किसी को हो नहीं सकते हैं। मम्मी पापा को नहीं सुनेंगे हम किसी को नहीं सुनेंगे। मम्मी पापा के होना है, भाई को भाई का होना है, बहन को बहन के होना, हमको एक दूसरे को होना। जब हम अपने लोगों का हैं, अपने परिवार के हैं, देखिए जब हम अपनों के हैं हमारे हम प्रभु की कृपाओं से भरपूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए वापस लौटा जाए माता मरियम यूसुफ और प्रभु यीशु के बारे में। यूसुफ के बारे में बाइबल में ज्यादा कुछ लिखा तो नहीं है, मगर कुछ किताबों में संत थॉमस की सुसमाचार में और कुछ ऐसे किताबों में यूसुफ के बारे में लिखा है। यूसुफ विधुर थे, विधुर थे मतलब उनकी शादी हो चुकी थी, उनकी पत्नी मर चुकी थी, उनके बच्चे थे। और जब मां मरियम से कहा गया मरियम आप पुत्र प्रसव करेंगी, और इस बात के बाद क्या बोलते हैं मरियम की शादी क्या बोलते हैं यूसुफ से होना था, मगर मां मरियम ने कभी ना नहीं कहा, यूसुफ को पूरे दिलो जान से प्यार किया और दोनों एक दूसरे के लिए जिए। आप जानते हैं जब यूसुफ को मां मरियम को अपनी पत्नी मरियम को और यीशु को लेके चलना था, लेके चले कहां तक चलना था, कहां तक चलना था, जी हां गधे पर बैठा के यीशु को ले जाया था ना, यीशु को बचाने के लिए मिस्र देश। और कुछ समय के बाद वहां से फिर दूसरे जगह लौटे और मां मरियम ने कभी प्रश्न किया कहां ले जा रहे हो, नहीं पूछा कहां ले जा रहे हो, तो कौन है ले जाने वाला, नहीं पूछा। पति ने लिया, पत्नी चली गई उसके साथ, उसने कभी नहीं पूछा कहां ले जा रहे हो। जी हां, क्योंकि वो तीनों उसी तरह प्रभु यीशु 12 साल के मंदिर में मिले खोए हुए थे, जब माता पिता ढूंढ लिए और उसके बाद पकड़ लिए तो कहां गया था, इतना दिन कहां था। तो बेटे ने तो कहा मम्मी पापा से, मम्मी से कहा क्या तुमको नहीं पता था कि मैं प्रभु पिता के घर में रहूंगा, समझ में तो नहीं आया, मगर बेटे को लेकर चले। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु माता पिता के अधीन रहे, माता पिता के अधीन रहे। फिर एक बार अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, माता पिता के अधीन बच्चे। और उसी तरह वचन में लिखा हुआ है, संत पौलुस लिखता है पति पत्नी एक दूसरे के अधीन रहें, पति पत्नी एक दूसरे के अधीन रहें। अधीन रहना सीखे हम, आज प्रभु से कृपा मांगे एक दूसरे के अधीन रहने के लिए प्रभु कृपा प्रदान करे। माता पिता के अधीन, बड़े भाई के अधीन, पति के अधीन, पत्नी के अधीन, बड़ों के अधीन रहने की कृपा प्रभु हमें प्रदान कर। बड़ों का आदर सम्मान करने की कृपा हमें प्रदान कर। सुन ले प्रभु हमारी प्रार्थना, सुन ले प्रभु हमारी याचना, सुन ले प्रभु हमारी प्रार्थना, सुन ले प्रभु हमारी याचना। फिर एक बार सुन ले प्रभु हमारी प्रार्थना, सुन ले प्रभु हमारी याचना। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।